नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले संयुक्त विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में एंट्री हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है। फ्रांस से हुई नई राफेल डील को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए लिखा कि मणिपुर जल रहा है और यूरोपीय संघ की संसद में भारत के आंतरिक मामलों को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में व्यस्त है और राफेल की डील कर रहे हैं। फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी राष्ट्रपति अल नाहयान से मिलेंगे। पीएम मोदी यहां वैश्विक मुद्दे और साझेदारी पर चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए थल सेना के बाद भारतीय नौसेना भी जुट गई है। दिल्ली में बैराज के बंद पड़े गेट्स को खोलने के लिए मुंबई से नौसेना की टीम जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर रविंद्र महाजन की मौत हो गई है। 77 साल के रविंद्र महाजन अपने फ्लैट में मृत पाए गए। एक्टर कश्मीर महाजनी के पिता रविंद्र पिछले काफी समय से तालेगांव दाभाड़े के पास मावल तालुका के अंबेगांव में रह रहे थे। देश ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और इस खबर से देश भर में सभी काफी खुश हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद रिएक्ट करते नजर आए। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी इस मौके पर फैंस संग चंद्रयान के लॉन्चिंग का वीडियो शेयर किया है। बारिश के बाद अब बाढ़ का कहर जारी है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी अब रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर आ रहा है, जिसके चलते रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं। 7 जुलाई से रेलवे कई ट्रेनें रोज कैंसिल कर रहा है। आज भी रेलवे ने 71 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरी मंत्रालयों की जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों में बांट दी है। मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। आज की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।